एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 बोरी भर कर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य को वो टुकड़ा बेचने से मना किया था तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटे हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसीलिए इसको बर्बाद न करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसे और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, पैसे के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसीलिए अपने इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।